Assalamualaikum and hey friends welcome back to my channel and those who are new welcome to my channel so अभी अभी मैं वीडियो बस अभी से ही स्टार्ट कर रही हूँ इफ्तार के टाइम से नहीं स्टार्ट करनी और उसके अलावा मैं भी नहा के आई हूँ इसलिए मेरा हालत ऐसी है अफाल वाल एनी वेज़ मैं ये बोल रही हूँ कि ना आज मैं पूरा दिन घर ही हूँ और हमारे यहाँ कोरिया में अभी तक सर्दी का वेदर है यार मतलब सर्दी का वेदर नहीं है स्प्रिंग है लेकिन अभी तक सर्दी है मतलब अभी नहाने का दिल ही नहीं करता यार इतनी ठंड लगती है अभी मैं नहा के आई हूँ मैं कॉँप रही हूँ मैंने इसलिए फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने हैं क्योंकि बहुत ठंड है हमारे यहाँ समझ नहीं आता अभी बाहर जाएँ तो गर्म वाला जो कोट है वो पहन के जाएँ कि जस्ट कार्डिगन पहन के जाएँ समझ नहीं आता मतलब समर के कपड़े पहने या स्प्रिंग के या विंटर के कुछ कोरिया का वेदर बहुत ही कन्फ्यूजिंग है और मैं जब भी नहा के आती हूँ मैं हमेशा स्किन पे कुछ लगाती हूँ क्योंकि स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है तो इसलिए अभी जो मैं लगा रही हूँ वो वो ये सीरम है ये बेल फ्लावर जो ब्रांड है उन लोगों ने मुझे पी पैकेज दिया था और आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा यूज़ भी कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा है स्पेशली ये कोकोनट सीरम है जो कि कोकोनट सीरम ज़्यादातर मिलते नहीं है और उसके अलावा हाइड्रेटिंग सीरम है तो ये बहुत ही मज़े का सीरम है और आपको पता है कोरियन प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट क्यों ना कुछ बात करते करते स्किन केयर भी कर लें तो ये जो सीरम है बस ओ मेरा एक डॉट गिर गया कैमरा के चक्कर में मेरा एक डॉट गिर गया सिंपली मैं ना बस पूरे मुंह में लगा दूँगी और आप लोग भी हमेशा पता है मुझे पाकिस्तान में भी गर्मी है लेकिन फिर भी आप लोग ना अपने फेस को हमेशा मॉइस्चर करें हाइड्रेट किया करें क्योंकि नहीं तो फिर हमारी स्किन जो है वो पूरी ख़राब हो जाएगी ड्राई हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा बाद में आपको रिंकल्स दिखेंगे डार्क सर्कल्स दिखेंगे तो हमेशा अपने स्किन की बहुत ख्याल करें लड़का हो या लड़की कोई भी ये अभी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए बोल रही हूँ हर कोई अपनी स्किन का ख्याल रख सकता है सो so, अपने स्किन का ख्याल रखें और ये जो रोमी है वो ना सारे मेरे जो भालू हैं सॉफ्ट टॉयज उनके पीछे पीछे जाके कैसे मस्ती मस्ती करके खेल रहा है रोमी रोमी छाप्यों करे रोमी छाप्यों करे हाँ रोमी के पकड़ो बकड़ो बकड़ो पगड़ो पकड़ो पगड़ो पकड़ो इधर मस्तियां कर रहा है मुझे ना इन दोनों ने तंग करके रखा है अभी ये चाह रहा है कि मैं इसके साथ अभी खेलूं लेकिन मुझे अभी पढ़ाई करनी है यार मैं पूरा लैपटॉप खोल के बैठी थी मुझे आज बहुत काम करना है मेरे थीसिस का काम करना है हमारे मास्टर्स में भी थीसिस लिखने होते हैं लास्ट ईयर में लेकिन कौन खेले तुम्हारे साथ लूसी की भी लूसी खब लुसी, come on, come on, come on, लुसी। स्टडी टेबल यहाँ पे मैंने कुछ लि लिखा था कि टीचर ने जो जो मुझे पॉइंट्स बताए थे और इसके अलावा ये मेरा लैपटॉप है जो कि मैं नहाने गई थी तो मैंने इसको बंद कर लिया था तो अभी ना इस पर मैं क्या करेंगे काम करेंगे स्टार्ट और जो इस टाइम मेरा जो मास्टर्स का जो मेन जो थीसेस है वो मैं पाकिस्तान के ऊपर कर रही हूँ पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेस के ऊपर तो इसलिए यहाँ पर मैं पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा ही पढ़ रही हूँ मतलब पाकिस्तानी कल्चर सोसाइटी और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं सो so, तो ये है नूडल्स का एक पैकेट जिसको मैं खोल रही हूँ एंड कोर्स यहाँ से नूडल्स ही दिखेंगे और कुछ नहीं तो ये नूडल्स हैं और मैंने जो मसाले हैं वो निकाल के रख दिए और यहाँ पे ना मैं इसको तोड़ के अंदर डाल रही हूँ चार हिस्सों में क्योंकि खाने में बहुत आसानी होती है जब छोटे हो जाते हैं और उसके बाद पानी गर्म हो गया था तो इसलिए मैंने गर्म पानी में डाला और ये एक और पैकेट अभी इतना मत बोलना कि बहुत खाती हो ये मैं रात को खा लूँगी इसलिए मैं ज़्यादा पका रही हूँ और ये फिर अंदर डाल के और ये जो है एक्स्ट्रा जो मसाला एक होता है जिसमें पत्ते वते होते हैं वो मैंने डाल दिया ऊपर ताकि साथ में बॉयल हो जाए और जब तक ये बॉयल हो तब तक मुझे ना ये वाला साइड चाहिए था चूल्हे का क्योंकि मुझे ना इसकी वो बना इस्टव बनाना था तो इसके लिए मुझे चाहिए ऑयल और क्या कहते हैं मसाला बनाना था नूडल्स के लिए उसमें मैंने प्याज डाली और इसको तेज़ आंच में पहले मैंने थोड़ा मिक्स किया फिर आंच कम कर दी और जब तक ये प्याज पके तब तक मैं क्यों ना नूडल्स मेरे बॉयल हो गए थे तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे ठंडा पानी खोल के सिंक में और फिर ठंडे पानी के नीचे ऐसे नूडल्स डाल रही हूँ ताकि नूडल्स एक दूसरे में ना चिपके नहीं नहीं तो फिर चिपक जाएंगे अगर आप ऐसे रखोगे ना तो चिपकने का बहुत चांस है और फिर ऐसे रख दिया ताकि पानी सारा निकल जाए और ये कुछ चिकन का पीसेस कुछ चिकन के पीसेस हैं काट लिए थे मैंने और फिर इसको ना मैं क्या कहते हैं इसको ना मैं उसके साथ अनियंस के साथ फ्राई कर रही हूँ और अभी फ्राई करते करते ही और अच्छे से फ्राई हो गया था थोड़ा बहुत फिर इसे मैंने साइड में करके और एक अंडा भी डाला थोड़ा हेवी नूडल्स बना रही हूँ तो इसलिए अंडा भी डाला एक अंडा डाला सिर्फ और ये अंडा ना मैंने साइड में डाल दिया और फिर अंडा जब नीचे से थोड़ा पक पक गया तो मैंने उसका ये, येलो वाला पार्ट जो है वो तोड़ दिया ऐसे चम्मच से और फिर नीचे से ऐसे हिलाने हिलाने से अंडे की जो है वो थिक लेयर्स बनने लगेंगी और फिर ऐसे करते करते अंडा ना बस पकने ही वाला है जी ये बस तैयार हो गया मैं इसके पीसेस थोड़े थोड़े कर रही हूँ और उसके बाद अभी ना जो चिपक गया था वो निकल रहा है अंडा और अभी ना अच्छे से बस मिक्स कर दें अंडा और ये सारा जो मसाला है मिक्स करते करते उसमें अभी ज़ीरा और धनिया का एक एक चम्मच डालना है और उसके बाद नमक डालना है और ये जो पैकेट का मसाला था दो दो मसाले थे लेकिन मैं एक यूज़ कर रही हूँ वो भी हाफ़ यूज़ किया क्योंकि स्पाइसी ना हो जाए और ये चिली भी है वो मैंने हाफ़ यूज़ की है क्योंकि वो स्पाइसी नहीं खाती जो लोग स्पाइसी खाते वो रेड चिलीज़ भी डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं और फिर उसको ना ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर रहेंगे इसमें जैसे ही है एज़ इट इज़ और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो मसाले वसाले ना कच्चे ना रह जाएं तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है और चाहता कि चिकन तो वैसे ही पक गया था लेकिन बस मसालों की वजह से फिर थोड़ी देर बस पक गया उसके बाद मैंने आँच को ना तेज़ करके पकाया और ये इतना मज़े का आया और कलर चेक करें बहुत मज़े का मतलब लग रहा है यमी यमी तो ये रेडी हो गया मैंने इसको ना प्लेट में अलग से निकाल दिया साइड में उसका ये रीज़न है मैं आपको बताती हूँ वेट करें ये इसे पूरा निकाल दिया तो ये रेडी और उसका ये रीज़न था कि ये जो नूडल्स है ना वो अब अगर नीचे मसाला होगा ऊपर नूडल्स डालेंगे तो मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होता है तो इसलिए ना पहले मैं नूडल्स रख रही हूँ और ये नूडल्स इजीली अलग अलग हो गए क्योंकि ठंडे पानी की वजह से ये नूडल्स पहले रख के अभी आँच जो है वो कम रखी है मैंने और ये जो नूडल्स का मसाला है ये ऊपर डाल दिया अब आप देखिएगा कितने आसानी से मिक्सिंग हो जाएगी बहुत ही आसानी से तो ये ना ऐसे बस मिक्स करना है पहले सबसे पहले क्या करना है अच्छे से बहुत मिक्स कर देना है आँच कम है और जब ना अच्छे से मिक्स हो जाए ना उसके बाद आपको ना आँच को तेज करना है और फ्राई करना है थोड़ा बहुत नूडल्स को तो ये फ्राइड नूडल्स हैं ऐसे करके नूडल्स में ऐसे नूडल्स हमेशा बनाती रहती हूँ इसलिए इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं आपको टिप्स दे रही हूँ तो ये हमारे मज़े मज़े के नूडल्स बहुत यमी यमी नूडल्स तैयार हैं बहुत ही आसान फास्ट और मज़े के नूडल्स और उसके बाद अभी ये मेरी प्लेट बन रही है मैंने अपनी प्लेट लेके आई हूँ इफ्तारी की यहाँ पे मैं अभी रोज़ा खुलने में टाइम है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ना निकाल के रख रही हूँ ताकि अभी बस गर्म गरम ही हो और उसके बाद इसे निकाल के और अभी चिकन मेरा रह गया था थोड़ा बहुत तो इसलिए ना मैं चिकन फिर चम्मच से उठा रही हूँ उससे नहीं उठ रहा था तो चिकन ऊपर रखा और अभी रेडी रह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रही है <laughs> खुशबू आ रही है मज़े मज़े की और अभी ये मेरे नूडल्स तैयार और ये मेरा चीज़ क्योंकि चीज़ मुझे बहुत पसंद है तो मैं चाहूँ तो हर चीज़ में ही चीज़ हर चीज़ में ही चीज़ डाल के खाऊँ तो ये चीज़ मैंने ऐसे काट दी ज्योमेट्रिक शेप्स में काटी चीज़ काट काट के और ना बस ये मेरा रेडी हो गया है मैं एक्स्ट्रा ऐसे ही चीज़ डाल रही हूँ चाहती तो ऊपर भी रख देती लेकिन ऐसे इजी है खाना ऐसे चीज़ और ये बहुत ही खूबसूरत सी प्लेट तैयार है मेरी माशाल्लाह और मैंने सोचा कि नूडल्स खाली खाली लग रहे हैं तो इसलिए मैंने ना क्यों जो है खीरा खीरे को काट दिया और अभी रेडी तो अभी सेवन ट्वेंटी वन हुए और अभी हमारे पास रोज़ा खुल गया है और मैं बहुत ही सुस्त फील कर रही थी लेज़ी फील ऐसे मैं खजूर का डब्बा ही लेके आई प्लेट में नहीं हूं। बहुत अच्छा लगता है के। और लूसी फ्लोर में चल रहा है मैंने रोमी को दूसरे रूम में बंद किया है लूसी फ्लोर में चल रहा है और कह रहा है मुझे भी खाना चाहिए नो नो हम्म और आज मेरे पास नोरस नहीं लेके मैं आज मैंने सोचा डिफरेंट लेके आती हूँ तो ये कोरियन एनर्जी ड्रिंक पानी है आ, एनर्जी ड्रिंक वाटर एनर्जी ड्रिंक का पे। तो आज मैं इससे रोजा खोलती हूँ mm. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमें इतना अच्छा खाने को मिलता है हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र करना चाहिए फॉरेन कंट्री में रहना बहुत ही मुश्किल है अकेले सब कुछ करना लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत है। सब कुछ हो जाता है कैसे भी करके हो जाता है हम्म और आज मैंने मैं फ्राइड खा खा के थोड़ा बेजार हो गई थी डेली फ्राइड हो रहा था इसलिए आज मैंने क्या किया कोरियन जो नूडल्स थे उसको पाकिस्तानी स्टाइल में पकाने की कोशिश की और देखते हैं कैसा हुआ है और उसके साथ में क्यूकम्बर्स भी लेके आई हूँ ताकि मुझे खाली खाली फील ना हो और उसके बाद ये है चॉपस्टिक्स स्टिक्स क्या है क्या? क्या? क्या 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 मैं उसको ना उसको क्या एक क्यूकम्बर देके देखूँ खाएगा नहीं खाएगा पता नहीं चलो खा लिया खा रहा है खाए खाए क्योंकि मुझे बहुत तंग कर रहा है और अभी मैं ना चॉप स्टिक्स जो है वो राइट हैंड से यूज नहीं कर सकती हूँ मैं इसलिए लेफ्ट से यूज कर रही हूँ अभी जो चीज़ मैं नहीं कर सकती वो मैं किससे ट्राई करूँ मतलब कोशिश करती हूँ पहले ये खा लूँ थोड़ा बहुत मजे का हुआ है माशा से बहुत mm. 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 एक टिश्यू उठने चाहिए था वि चिकन में थोड़ी हड्डी थी <laughs> और ये चीज जिसको चीज पसंद है <laughs> mm. बहुत मजे का है माशाल्लाह नूडल्स को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पका सकते हैं कोरिया में ज्यादातर सेम ही स्टाइल में नूडल्स पकाते हैं एक ही स्टाइल में जस्ट पानी में डाल के अंडा वंडा डाल के और कभी-कभी फ्राई करते हैं ज्यादातर पानी वाले नूडल्स होते हैं लेकिन ये बेस्ट तरीका है ये हम्म <laughs> यार माशाल्लाह से बहुत मजे का हुआ है मैं राइट हैंड से भी कोशिश करती हूँ ऐसा नहीं की कोशिश नहीं की क्योंकि राइट हैंड ना मेरे राइट हैंड में एनर्जी नहीं है क्या कहते हैं पावर नहीं है बहुत मजे का हुआ है अब कैसे उठाऊ चीज को <laughs> देख रहे चलो हो रहा है राइट हैंड से भी राइट हैंड में प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे ऐसे करके ये देखो ना आगे पीछे हो गया मतलब स्पेस आ रहा है बहुत और चिकम्बर तो हमने खाया ही नहीं इस में क्यूकम्बर का मजा अच्छा है यार मैंने कभी भी नूडल्स के साथ इसे क्यूकम्बर नहीं खाया लेकिन अभी मैं खा रही हूँ बहुत ही मजा आ रहा है नूडल्स के साथ फ्रेश फ्रेश मतलब और क्यूकम्बर में क्योंकि पानी भी होता है क्यूकम्बर सलाद में भी हम खाते हैं तो क्यूकम्बर बहुत मजा आ रहा है आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और उसके अलावा और क्या तुम्हें भी चाहिए चले फ्रेंड्स अभी मेरे खाने का टाइम आ गया है रिलैक्स होकर खाने का क्योंकि मैं अभी अभी पका के आई हूँ और मैं टायर्ड हो गई थोड़ा तो बैठ के या मज़े से और फिर खा के फिर नमाज पढ़ के फिर अपना काम करूँगी तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो so मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदाफिज बाय बाय